अहले सुबह मैराथन दौड़ और देर शाम ओडीएफ जिले का ऐलान। उत्सवी सुबह व हसीन शाम के साथ बुधवार को सीतामढ़ी जिले के एक और कीर्तिमान बना लिया, एक ऐसा कीर्तिमान जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। वजह, सीतामढ़ी बिहार का पहला ओडीएफ जिला बन गया। जिले को इस मुकाम तक पहुंचाने व ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बने हजारों लोग डीएम डॉक्टर रणजीत कुमार सह के नेतृत्व में सुबह जिला मुख्यालय डुमरा के विष्णुथापुर हाईवे से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह कांटा चौक के पास जाकर समाप्त हुआ। डीएम के अलावा विधायक सुनील कुमार कुशवाहा, एसपी विकास वर्मन, डीएसपी सदर डॉक्टर कुमार वीरेंद्र, डीडीसी प्रभात कुमार, एसडीओ सदर सत्येंद्र प्रसाद, डीटीओ चित्रंजन प्रसाद, डुमरा बीडीओ मुकेश कुमार, डीपीआरओ दीपक चंद्रदेव, डीएओ आरके राय, सीएसओ डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, डीईओ रामचंद्र मंडल, डीपीओ जयशंकर ठाकुर, जियाउल होदा, बीईओ अमरेंद्र पाठक, डॉक्टर प्रतिभा आनंद, सुरेश कुमार, जिला पार्षद संजय कुमार, जिला मलेरिया प्राधिकारी डॉक्टर आर के यादव, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, डॉक्टर वरुण कुमार, रितेश रमन सह अभिषेक मिश्रा शिशु, श्याम किशोर प्रसाद पंकज सह आगन्य कुमार व विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं समेत हजारों लोग मैराथन दौड़ में शामिल हुए। हवाई अड्डा मैदान से सभी अधिकारी, विधायक और छात्र छात्राओं ने और शहर के लोगों ने एक विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया था, जो लगभग 15 किलोमीटर होके आज बाबा अम्बेडकर के स्थल पर समाप्त हुई है। इस साइकिल रैली का मुख्य मकसद यह है कि सभी सीतामढ़ी वासियों को यह बताना कि 15 जुलाई को हम लोग ओडीएफ करने जा रहे हैं, उससे पहले वो शौचालय का निर्माण जो अधूरा है उसको पूर्ण करा ले और शौचालय का यूज करे, ठीक है। स्वच्छ सीतामढ़ी, सुंदर सीतामढ़ी के लिए जिला प्रशासन की तरफ से बहुत ही सराहनीय काम रहा है। सीतामढ़ी हवाई अड्डा मैदान से 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए महसौल चौक, गौशाला चौक होते हुए मुरलिया चौक होते हुए हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ इसका समापन हो रहा है और पूरे सीतामढ़ी जिले के को हम लोग संदेश देना चाहते हैं, पूरे सीतामढ़ी जिला वासियों को, कि हम लोगों का सीतामढ़ी अगर सब लोग जिस तन्मयता से लगे हुए हैं, हमारे डीएम साहब और जिला प्रशासन के लोग और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मुखियागण, पंचायत समितिगण, सरपंचगण, माननीय विधायकगण, माननीय एमपी साहब, जिस तन्मयता से सब लोग लगे हुए हैं, थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है। 95% हम लोगों ने पूरा कर लिया है, 5% बाकी है और डीएम साहब ने समय जो रखा है 15 तारीख को, तो हम लोग इसी स्पीड से अगर चलते रहेंगे तो 15 तारीख तक हमारा सीतामढ़ी इस राज्य का पहला जिला होगा जो ओडीएफ घोषित होगा और हम लोगों का सीतामढ़ी का इससे मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। सीतामढ़ी की जनता से भी अपील करना चाहते हैं।